अब कब्रिस्तान से भी निकलने लगे शराब। माफिया ने बना रखा था खुला गोदाम। बिहार में शराबबंदी होने के बाद भी शराब का अवैध कारोबार जारी है। शासन के सख्ती के दावे के बावजूद शराब माफिया पुलिस की नजरों से बचने के लिए तरह तरह के जुगाड़ लगाकर शराब के अवैध कारोबार से मोटी कमाई करने में लगे हैं। ताजा मामला दरभंगा के गंगा सागर तालाब के निकट का है। यहां अवैध शराब के कारोबारी ने नेपाली देशी शराब की एक बड़ी खेप कब्रिस्तान में छिपा रखी थी। वहीं से धीरे धीरे खपाने में लगा था। जब इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को हुई तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। इस पर शराब कारोबारी स्थानीय लोगों के साथ मारपीट पर उतारू हो गया। फिर लोगों ने इसकी जानकारी लहरियासराय थाने को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे कब्रिस्तान की तलाशी ली, जहां से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। यही नहीं, कुछ गंगा सागर तालाब के अंदर से भी कई बोरे शराब बरामद की गई। शराब की जब्ती के बाद पुलिस शराब कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शराब कारोबारी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे धार्मिक स्थलों को भी नहीं बकस रहे हैं। जब लोग उनके इस अवैध काम का विरोध करते हैं तो शराब माफिया मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन पर भी लोगों ने सवाल उठाए। वही मौके पर पहुंचे सर्किल इंस्पेक्टर मदन कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि गंगा सागर तालाब के निकट वाले कब्रिस्तान से भारी मात्रा में शराब मिली है। इस अवैध शराब को फिलहाल जब्त किया गया है। पुलिस अब शराब कारोबारी की तलाश में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। अभी यहाँ गंगा सागर कब्रिस्तान पे जो यहाँ के जो लोग हैं वो लोग यहाँ इधर हमेशा सुबह शाम देख रेख में आते हैं, साफ सफाई में। उन्होंने देखा कि कुछ लोग वहाँ दारू रखे हुए थे, दारू का वहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा, दारू वहाँ रखा हुआ है। इन लोगों ने कहा कि कोई भी धार्मिक चीज़ जैसे आस्था से लोगों के जुड़ा रहता है, वहाँ दारू या कोई भी ऐसा चीज़ काम नहीं होना चाहिए जिसके आस्था को इंसान के किसी भी धर्म के इंसान को ठेस पहुँचे। इसलिए इन लोगों ने उनको मना किया तो वो लोग कहें कि नहीं, आप हम लोग रखेंगे ही। इसके वजह से उन लोगों ने इन लोगों के साथ मारपीट की। उसके बाद थोड़ा सा इन लोगों के साथ मारपीट भी किया और जबरदस्ती इन लोग को वहाँ से मार के भगाने का इन लोगों ने काम किया। तो जिला उसने फिर प्रशासन को फोन, कानून को फोन, प्रशासन को फोन हो गया है और आप लोगों के माध्यम से और कानून के माध्यम से जो उचित कार्रवाई हो। दारू भी देख रहे हैं आप लोग, लगातार यहाँ से बरामद हो रही है, कब्रिस्तान में दारू बरामद हो रही है। जहाँ भी हो सके जितना प्रशासन के माध्यम से उन लोगों पर, जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, दारू वहाँ पर कब्रिस्तान में रखने का काम किया है, उन लोगों को मारने का काम किया जिन्होंने मना किया, तो आस्था पर ठेस पहुँचाने का काम किया, उन लोगों पर जो है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई। क्या है मामला? एक हमारे मोहल्ले के जा रहे थे रिक्शा मिस्त्री इधर से, तो उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान में कुछ लोग घुसे हुए हैं और शराब का बोतल भरा हुआ बोरा को निकाल रहे हैं। तो उन्होंने फोन किया, जब हम लोग 4-5 आदमी आए यहाँ पे तो वाकई में देखा कि शराब का 5-6 बोरा अंदर में है, जगह जगह कार्टून है, ये है वो है। हम लोग ने उसको पकड़ने की कोशिश किया लेकिन उन लोग ने ऊपर से हम लोग को पत्थर ईंटा से ये कर दिया, हमला कर दिया। हाँ, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पर नहीं पकड़ पाए। हम लोग कौन लोग थे वो लोग जो पत्थरबाजी जो की आप लोग के साथ? हम लोग उसको पहचानते नहीं है, अपना प्रशासन का काम है, देखे कौन थे नहीं थे, फोटो है सबसे पहले और पहचान। तो उसके बाद फिर थाने को और शांति समिति के लोगों को फोन किया गया। हाँ, तो वो लोग आए। तो अभी कहाँ शराब पाया गया है? कहाँ शराब पाया गया? पूरा कब्रिस्तान के चारों तरफ है। कौन सी कब्रिस्तान है ये? ये मोहल्ला मौलागंज, मगलपुरा और ये पमरिया टोला, तीनों का ये कब्रिस्तान है। तीनों का जो तीनों मोहल्ले के जो लोग इंतकाल करते थे जहाँ दफन किया जाता है। क्या नाम इस कब्रिस्तान का? ये गंगा सागर कब्रिस्तान नाम है। वही पाया गया है? जी जी, उसी कब्रिस्तान के अंदर में और तालाब में भी पाया, कुछ तालाब में भी, गंगा सागर पोखर में पाया गया है। बहुत सारा है इसमें। अभी आपके सामने में देखा आपने कि 5 बोरा निकाला गया, हम कहते हैं कि बहुत और भी होगा। अब कितना इसके अंदर, तो सरकार प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि इसको देखें। यहाँ पर के सब लोग बेचारे, ये पोखर के साइड साइड जितने लोग आए बाहर से आके बसे हुए, ये लोग डर से कुछ बोलते नहीं है। यहाँ पर ये वो दारू का अड्डा चलता है और नशेबाजी का भी अड्डा चलता है। कभी सरकार के अंदर में लोग घुस के जुआ भी खेलते हैं। हाँ, तो इस पर थोड़ा सा देखें, उसको कंट्रोल करें। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।